दोस्तों, जब भी आप क्रोम ब्राउज़र में स्टूडियो को ओपन करते हैं तो इस तरीके का ये नज़र आता है। आप क्या करते हैं कि आप यूट्यूब को यहाँ ओपन करते हैं और आपका जो यूट्यूब है इस तरीके से नज़र आता है, और आपको जो बाइटी स्टूडियो है वो डेस्कटॉप मोड में नहीं खुलता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा जिससे कि मैं आपको समझा सकूँ कि आप अपने स्टूडियो को डेस्कटॉप मोड में कैसे खोल सकते हैं। दोस्तों अपने फ़ोन में आप डेस्कटॉप मोड में खोलने के लिए आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले थ्री डॉट पर क्लिक करना है और डिलीट ब्राउजिंग डाटा को पे क्लिक करना है, और यहाँ पे 15 मिनट लिखा हुआ है, इस पर टैप करना है और यहाँ से ऑल टाइम वाले ऑप्शन को चुनना है और डिलीट डाटा वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सारा डाटा हमारा डिलीट हो चुका है। अब क्या करना है दोस्तों, आप यहाँ पे देखिएगा, YouTube का एक आइकन यहाँ पे बन के आ गया है। दोस्तों, हमको अपने YouTube स्टूडियो में खोलने के लिए, डेस्कटॉप मोड में खोलने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे YouTube का जो आइकन है इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर टैप करोगे तो दोस्तों ये स्टूडियो में नहीं खुल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा थ्री डॉट ऊपर दिखाई देंगी, इस पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन यहाँ पे नज़र आता है, ये वाला, इसको हम टिक कर देंगे। जब आप इसको टिक कर देंगे तो दोस्तों ये हमारा जो YouTube है डेस्कटॉप मोड में चले गया है। अब दोस्तों क्या करना है, ऊपर की तरफ आप पहले आप जूम करना है। तो जूम करोगे ना तो आपको ऊपर की तरफ दिखोगे, अब राइट हैंड पे प्रोफाइल आपको यहाँ दिखाई देगी, राइट हैंड पे प्रोफाइल दिखाई देगी, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे ऊपर देखेंगे व्यू योर चैनल, इस पर हम क्लिक कर देंगे, इस पर टैप करेंगे। जब आप इस पर टैप करेंगे तो फिर से नया पेज यहाँ पे खुल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों ऊपर की तरफ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कस्टमाइज चैनल, इस पर हम क्लिक करेंगे। जब इस पर हम टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो बाइटी स्टूडियो है वो क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप मोड में ओपन हो चुका है। दोस्तों इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जूम करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे आइकन यहाँ नज़र आते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये आइकन है, दूसरा ये वीडियो का है, ये एनालिटिक्स है, ये कमेंट है, और तीन चार हाँ आइकन हैं, आप नज़र आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको वीडियो का एक आइकन है नज़र आता है, हम वीडियो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जितनी सारी वीडियो थी वो सारी यहाँ खुल के आ चुकी हैं, और यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, और चाहें तो आप एक बार में सारे चैनल का मोनिटाइजेशन ऑन कर सकते हैं। सारी वीडियो का मोनिटाइजेशन आप एक बार में ही ऑन और ऑफ कर सकते हैं, एक ही बार में आप किसी भी वीडियो को पब्लिक कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ यहाँ पे होती है दोस्तों। और नीचे यहाँ एक सेटिंग का ऑप्शन नज़र आता है, जहाँ पे आप अपने चैनल की यहाँ सेटिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपका चैनल में कोई भी सेटिंग है, अपने यहाँ चैनल का नाम डाल सकते हैं, इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को आप सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।